Okay, tell me, in a previous life, which practical is done? 5.3 मैम। 5.3, बहुत पीछे हो आप लोग। चलो फटाफट करते हैं आज 5.3 क्लास मटेरियल। सिक्स हो गया आपका ग्राफ, मैंने करने के लिए दिया था ना। मैम मतलब प्रेजेंटेशन था हाँ वो हो गया ना। हाँ वो सिक्स आपको खुद आधे करना। का। हाँ मैम आधे का हुआ है, आधे का बाकी है। हाँ वो मैं बाद में ले लेंगे, कोई शेड्यूल रख के। ओके अब मुझे ये बताओ, 6.5 पॉइंट लॉन्गेस्ट कॉमन सबसिक्वेंस तो मुझे ही पढ़ाना है। दिस इज अ डायनेमिक। ओके आई थिंक क्लास में हो गया लॉन्गेस्ट कॉमन सबसिक्वेंस, देख लेती हूँ मैं। शायद मैंने करवा दिया है। मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन इज डन। किसी को याद है एलसीएस क्लास में हो गया है? इरफान क्लास में हो गया है एलसीएस? शायद तो नहीं हुआ है। ओके नहीं हुआ है। वो मेरा पोर्शन है, मुझे भी याद नहीं। ठीक है और ये हो गया है आपका परम्यूटेशन वाला, राइट? कल पूछा था मैंने, तो हो गया है। तो 7.1 आपको इम्प्लीमेंट करना है और 5.4 में आपको अभी एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है तो आपको आज दो इम्प्लीमेंट करना है, 5.4 एंड 7.1, फिर लास्ट में सिर्फ 8 रहेगा क्योंकि ये पूरा हो गया है आपका। ये भी हो गया है, मुझे कल ही बताया स्टूडेंट से सी एस सी 1 में डी बैच वालों ने, राइट? तो टुडे यू हैव टू इम्प्लीमेंट दिस परम्यूटेशन एंड आई विल एक्सप्लेन 4.5.4। ओके तो दोनों करना है आज ही। जस्ट अ सेकेंड, आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन। यस मैम। ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी द बेसिक आइडिया ऑफ द एलसीएस, राइट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलसीएस? देयर इज अ थ्री वे दैट वी कैन इंप्लीमेंट द लॉन्गेस्ट कॉमन सबसिक्वेंस, दैट इज द रिकरेंस मेथड, मेमोइजेशन मेथड एंड टेबुलेशन मेथड, राइट? तो बेसिकली दिस इज द डायनेमिक, सो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दिस टू, बट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन पर्पज विल सी दी सॉरी डायनेमिक अप्रोच, राइट? सो बेसिकली लॉन्गेस्ट कॉमन सबसिक्वेंस, सो वी नो दैट कि वी रिक्वायर्ड सम स्ट्रिंग ओवर हियर, राइट? सो वील टेक टू स्ट्रिंग, लेट्स टेक स्ट्रिंग नंबर 1 एंड स्ट्रिंग 2, राइट? वी हैव टू मैच द स्ट्रिंग एंड वी हैव टू आइडेंटिफाई द विच वन इज लॉन्गेस्ट कॉमन सबसिक्वेंस, राइट? देर आर सम रूल, आई एक्सप्लेन दैट रूल। सो लेट्स टेक द स्ट्रिंग ए बी, चलो यही कर देते हैं एंड क्लियर आउट दिस थिंग। वापस मुझे ना लिखना पड़े। ओके सो आई हैव अ स्ट्रिंग 1 एंड आई हैव अ स्ट्रिंग 2, सो इफ आई वॉन्ट टू डू द मैचिंग, इफ आई एम स्टार्टेड विद द सी, सो माई सी इज मैचिंग विद दिस,
D is matching with this, G is matching with this, and I is matching with this. So see, here I have a longest common subsequences is C, D, G, I. All values are matching with each other and they no one is collapsed to each other. What is the meaning of collapse? That ki if I'm doing, if I'm started the matching from the second value, D, then C, then D, then G, and then I. So D, G, I also possible, G, I also possible, I also possible, only C is also possible. But which one is longest? C, D, G, I. So that is our longest common subsequence. If I'm talking about this example, so if I'm started with the E, so here I match with the E. C, तो यहाँ पे वो कोलैप्स हो रहा है, so you can't match C, जो contradictory होगा वो आप नहीं ले सकते हो, तो C नहीं होगा, D भी मैं नहीं ले सकती, G, हाँ G ले सकती हूँ, I, हाँ I ले सकती हूँ, what is the first sequence, E, G, I, चलो, let's try to second one, so if I try to second one, okay, so that is, if I'm started with C, then D, then G, and then I, E हो रहा है बट वो कोलैप्स हो जाएगा D के साथ राइट सो यू कैन डू C के साथ भी कोलैप्स हो जाएगा तो सेकेंड इज C D G I लेट्स ट्राई विद द D G I सो D G I इज पॉसिबल G I इज पॉसिबल सो विच वन इज लॉन्गेस्ट इन दिस केस ऑब्वियसली C D G I इज लॉन्गेस्ट इन दिस केस अंडरस्टैंड हाउ टू आइडेंटिफाई Clear? So here the number of possibilities are there, but in that five possibilities, we have a longest common subsequence is C, D, G, I. Okay? So we have to identify that how backtracking, how recurrence working. So I'll just show that recurrence formula and algorithm, then we'll directly go for the tabulation method, this one. Right? So let's understand what is the meaning of that. Okay. So let's take the two string over here. String one already is mentioned. समझ में आ रहा है ना सबको? Yes, ma'am. String two. Let's take B, A, B, C, E. So what is the string is possible? B, A नहीं हो सकता, but A यहाँ पे है. फिर B नहीं हो सकता, contradictory है. C and E. तो एक हो गया हमारा first possibility. B, A, C, E. If I'm start with the A. राइट कोई और ट्राई करना है तो इफ आई एम स्टार्टेड विद द ए ए इज पॉसिबल बी नहीं होगा बी यहाँ पे हो सकता है बी सी यहाँ पे हो सकता है ई यहाँ पे हो सकता है सो सेकेंड इज ए बी सी ई बोथ आर सेम साइज फोर लेंथ सो बोथ आर कंसिडर इज द लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस ओके बट सो दैट इज द प्रॉब्लम बेसिकली if I'm talking about the problem, so basically, mainly whenever we talk about the dynamic approach, we'll identify that what is the problem, then we'll find the solution, right? So here, if I'm talking about the problem, so the problem is finding whether set of character, this two string are matching or not, right? So we find karna hai ki do string match ho rahi hai ki nahi. So the matching character are not need to be continuous, okay? And need to be continuous. Not and now let's see that how we can using the character. So I will write the algorithm and so I'll show the recursive work. So पहले हम recursive देखेंगे this approach, recurrence recursive approach, and then we'll check that how it is working for the dynamic, right? Okay. So I will try to write the here I have already one algorithm I have mentioned over here and we'll see the recurrence operation. इसी में आपको explain कर देती हूँ मैं. ओके वेट अ मिनट इसको कॉपी कर लेते हैं So this is our algorithm and accordingly I'll draw the tree. Yeah, start karti hun. Okay. So here I have a two string. Where is this? Yes. BDA and let's stick over here. So I have a two string. Let's take the string A and in that two values are there. Okay. Okay. So string is B and D.
and I have another string which is named as A, B, C, D, and slash 0. Okay, why I'll put slash 0? I'll explain it. So I'll give the index number 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4. Okay, so we have this thing. Okay, so what it says that integer of longest common subsequence is I of j, that is A and B, right? That is A and B. So you can write that A and B. So initially, that is I mentioned the 0, right? If A of I is equal to 0, agar A of I, this one is equal to 0, or B of j is equal to 0, then you have to return the 0, right? Else, if A of I is equal to B of j, then you have to put the value return L of LCS I plus 1, j plus 1, right? And agar ye bhi nahi hai, to I plus 1 j, comma LCS I j plus 1. Chalo hum dekhte hai, start karte hai, pehle value se. Right? What we have to check? We have to check A of I and B of j. Okay? This is our A of I and this is our B of j. Right? So let's start recurrence. Let's start to maintain the tree. A of 0, this one, and comma B of 0. Okay. What is the A of j value? A of 0 value? A of 0 value? B. And what is B of 0 value? A. Both are similar. Check karo. Ye condition true hai? 0 hai dono? Nahi. Both are same? No. So what we have to do? We have to apply this one. Right? Pehle 0 hoga, to yahan pe return 0 hoga. Agar 0 nahi hai, to we have to check that both are same? No. If both are not same, then you have to divide into two part. So let's divide into two part and we'll check the value. What we have to do? We have to do LCS I plus 1 to J. LCS I plus 1 to J. So I plus 1 kya hoga? Chalo batao. What is the I plus 1? I plus 1 to J. A of 1. What is J? J will remain same. B of 0. Second part kya hoga? Second part hoga I J plus 1. So A of 0 and B of 1. Aaya samajh mein? Now put the value. What is A of 1? A of 1 is D. What is B of 0? B of 0 is A. What is A of 0? A of 0 is B. What is A of B of 1? Ulta kiya? Nahi barabar. B of 1 is B. Kya ye dono same hai? No. So again we have to perform the else part, this one. So if I'm performing the else part, so A of 2, I plus 1, and J, B of 1. Here, A of 1 and B of 2, right? Let's check the A of 2. A of 2 is 0, B of 1 is A. Right? A of 1 is D and B of 1 is D. Right? Kya ye 0 hai? Dono mein se koi bhi ek 0 hai? Yahan pe? Yes. So value should be 0 over here. Right? Chalo. Ab yahan pe karo. Kya dono same hai? Nahi. So we'll go for the third part. A of 2. B of 1. Yahan pe A of 1. B of 2. Right? I plus 1, J plus 1 kare. What is A of 2? A of 2 is 0. B of B. A of 1 is D. And B of C. Is this 0? Yes. Put a 0 over here. Chalo. Isko karte hain. A of 1, B of 2. Same? Nahi. Third condition. This one. I plus 1, J plus 1. So LCS A of 2. Dikh raha hai na sabko? B of 2. A of 1, B of 3. Value put karo dekhke. This is 0 and C. And this is B and D. To ye 0 hoga. Okay. These both are same. Right? To kya perform karenge hum? This one. Ye agar main perform karti hun, toh what is the answer? 1 plus LCS I plus 1. I plus 1 kya hai? A of 2. J plus 1. J kya hai? B 4. Right? So A of 2 0, B of 2 is 0 and 1 plus. Okay? So answer is 1. Answer is 1. So if I recursively store, the here answer is 1. Right? So yahan pe answer hoga 1. 0 plus 1. Right? Iska bhi answer hoga 1. 0 plus 1, iska bhi answer hoga 1.
0 0 0 तो इसका आंसर होगा 0. गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहा है? हाँ, अभी ये ट्री बाकी है तो इसको हम एक्सपांड करते हैं. बोथ आर सेम राइट, तो क्या करेंगे? डायरेक्ट 1 प्लस a ऑफ 1 एंड b ऑफ 1. a ऑफ 1 क्या है देखो, चलो a ऑफ 1 एंड b ऑफ 1, a ऑफ 1 एंड b ऑफ 1, d एंड b. 1 प्लस d एंड b राइट. सो नाउ दिस इज सिमिलर नो सो आई कैन एक्सपांड अगेन. a ऑफ 0, लेट मी चेक इज देयर एनी मिस्टेक. a ऑफ 0, b ऑफ 1, a ऑफ 0 दिस 1, b ऑफ 1 इज दिस 1, बराबर छे. ओके, सो वी विल गेट द d एंड b राइट. सो दिस इज नॉट सिमिलर, दिस इज नॉट सिमिलर. सो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज हियर. वी हैव डन दैट i प्लस 1. ओके, वी हैव डन दैट LCS i प्लस 1 j प्लस 1 राइट. But the value is not stored. You have to check the previous value. Is there any d and b value in the previous analysis? Check karo. D or b value kahin pe thi? Chalo check karo. D b value. Should it be in the same branch or a different branch? Different branch chalega. Kyunki hum recall nahi karenge na. Dynamic mein hume repeated call hota hai. So you should overlapping problem. So you have to reduce that repeating call. So already any d or b value is there? Yes. Kya hai? Ma'am, in the left side only. What is the value for that? What is the value a1 for? A1 and b, db here. Db value kya hai? This one. A of 1, yeah. B of 1 value kya hai? 1. Right? So should I put 1 over here? Yes or no? Yes. So what is the answer? 2. Right? So what is the value for 2? Now this is the 2. Okay, and this is 1. Which one is maximum? I'm not doing two. Overlapping because we have to. So 2. So here the longest common is 2. Chalo, random check karte. Random check karte. So A to ho nahi raha hai. B and D. So B and D, and the size and the length is 2. Getting? So from where it is started? From the top approach is started, right? From the starting se start kiya. So which is we can consider as the top down approach, right? And here the overlapping problem and both have a same value. Jo same value ho, overlapping hota hai, to you can conclude the value, right? Yahan pe agar main again define karti hu, to I can write like a of 1 and a of 3 according to the formula, and I'll get DD, right? And then I'll get the same value. So if I'm checking that, the overlapping problem is there already called over here. Abhi to humne direct le liya, right? So same in the recurrence, here the overlapping problem and both have a same value if I'm calling again and again. So no need to recursive call over here. So you can solve, or we can say store some value if in the particular table, if I'm talking about the dynamic, so you can store the value in the table, or you can use the memoization method also, right? So here only one node overlapping, but if the problem is large, then multiple overlapping problem is occurring case of the tree. So let's finally understand how memoization method work, and we'll see the tabulation method. Right? Memoization nahi dekhte, directly tabulation dekhte. So kaise tabulation work karte, let's see. So tabulation, this is the, isi mein main explain kar deti hu aapko. So here we have a two चलो ये हम फील करती हूँ मैं, बट यही रखती हूँ. एंड दिस इज द फॉर्मूला हियर, द फॉर्मूला रिमेन सेम, वही है राइट. हमको वो देखना है, मैं ये रिमूव कर देती हूँ. दिस इज द फॉर्मूला फॉर द डायनेमिक अप्रोच, ये वाला, और वी कैन से दैट लॉजिक. ओके, so this is the two string, we have string 1 and string 2. Whenever you maintain the table, you have to see the string length. Whatever longest
अगर जो लॉन्ग वैल्यू है लेंथ जिसकी उतनी कॉलम ले लो और बाकी सब स्मॉलेस्ट की रो ले लो, राइट. ऐसा टेबल मेंटेन करना है आपको. ओके, सो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन यू हैव टू चेक द इफ ए ऑफ आई इज इक्वल टू बी ऑफ जी, रो दिस इज ए ऑफ आई, दिस इज बी ऑफ जी. देन सेम कंडीशन एल्स, एल ऑफ जे एल सी एस यू हैव टू पुट दिस कंडीशन, आई ऑफ जे दोनों में से जो मैक्सिमम हो वो वैल्यू पुट करना है. और ए ऑफ जीरो एंड बे ऑफ ए ऑफ जीरो और बी ऑफ जीरो कुछ भी जीरो होगा तो फर्स्ट कॉलम जीरो वाली जीरो से ही फील होगी आपकी, राइट. तो जीरो वाला आपको जीरो से फील कर देना है एज वी ऑलरेडी नो इन द डायनेमिक, राइट. ओके, नाउ आई हैव टू फील दिस वन. ओके, यू हैव टू चेक द प्रीवियस रो एंड प्रीवियस कॉलम जैसे हम डायनेमिक में करते थे. याद है ना नैपसैक कैसे किया है, इसलिए मैं वापस रिपीट नहीं करती. प्रोसीजर इज सेम, सिर्फ इसमें डायगोनल बढ़ेगा. Remember or not? Okay. Yes, so, what is the value of this is A of 0 and B of 0. So, A of 0 and B of 0, if I maintain the table, is that same? No. So, I have to put the 0. Previous row or column, dekho, jis jo bhi maximum ho, wo karo. Okay, chalo. Yahan se ek aur ek method. S or L. Is that matching? No. S or O. Is that matching? Previous row, previous column, both are zero, just put zero. तो कहाँ matching हो रहा है यहाँ, तब तक तो zero ही आएगा, तो I'll just copy the zero. Previous row सारे zero. Now string is matching. So when A of I and B of J is matching, one plus LCS करना है आपको. One plus LCS means, अब इसमें ये formula नहीं देखोगे तो भी चलेगा सिर्फ implement करने के लिए. One plus diagonal value. One plus diagonal value. What is diagonal value? One. Zero. So one plus zero, it is one. Now it is matching, no matching, but what is the maximum value? 1 from row and column. Aaya samajh mein? Yes, okay. Chalo, abhi T kahan pe hai? Last mein. Tab tak aapko previous row aur column mein se jo maximum ho, wo dal dene ki. Dono mein se kaun si maximum? 1. T matching hai, to kya karenge? 1 plus diagonal. What is diagonal value? 1. 1 plus 1, what is the answer? राइट. ओके, चलो ओ पे आए. ओ कहाँ पे है? यहाँ पे. तब तक जीरो. ओके, ओ मैचिंग हो रहा है, यस और नो? तो वन प्लस डायगोनल, इट इज वन. विच वन इज मैक्सिमम? वन 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 वन. विच वन इज मैक्सिमम? इट इज टू. ओके, क्लियर? समझ में आ रहा है सबको? वेदांत, yes, राजीव, ओनली पूजन इज देयर, बाकी सब सो रहे हो क्या? ओके, चलो अब मुझे ये एच वाली फील करवाओ. एच है क्या है? एन है. एन वाली फील कराओ, फोर्थ रो फील करवाओ. चलो कौन बोलेगा? वेरी इजी, चलो फटाफट. एम जीरो, वन, देन वन. वन कैसे होगा? एन एन. सॉरी, वन, या देन टू. टू देन टू. Two. Two. Two and two. Okay. Last वाली फील कराओ. चलो कोई और ध्वनि. ध्वनि लास्ट वाली फील कराओ. ध्वनि आ रही है? आई विल रिमूव यू. ओके, चलो कौन बोलेगा आंसर फटाफट? चलो वन सेवेंटी सिक्स पार्थ. यस मैम. ये फिफ्थ रो. एक्चुअली मैम मुझे कुछ आइडिया नहीं है उसमें. क्यों, क्या कर रहे हैं? चूज हो रहा हूँ मैडम. कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं. क्यों कंफ्यूज हो रहा हूँ? पर क्यों? व्हाट इज द रीजन फॉर द कंफ्यूजन? आई डोंट थिंक सो. मैंने कब से पढ़ा रही हूँ? इजी प्रोसीजर है, कुछ नहीं करना है. मैंने क्या बोला? सिर्फ प्रीवियस रो प्रीवियस कॉलम में से जो मैच नहीं हो तो यू हैव टू टेक द मैक्सिमम, राइट. एंड इफ इट इज मैच, गो प्लस वन प्लस डायगोनल एज पर द फॉर्मूला. व्हाट इज द कंफ्यूजन इन दैट? ध्यान ही नहीं था आपका, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है. दृष्टि, दृष्टि,
Drashti, I'm asking to you. Those who are not giving me answer, I'll remove you, okay? चलो कौन आंसर बताएगा? पूजन के सिवा कुशल, कुशल लास्ट रो मैम जीरो वन जीरो यहाँ पे क्यों वन कैसा आया? जीरो ही होगा ना. चलो बोलो जीरो जीरो फिर से आयुषो प्रीवियस रो प्रीवियस कॉलम वन मैचिंग का है ई तब तक प्रीवियस रो प्रीवियस कॉलम में से जो मैक्सिमम नाउ इट इज थ्री नाउ ऑल आर थ्री राइट सो दिस इज नाउ वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट बिकॉज ऑफ विच रो वी गेट द वैल्यू फॉर द कॉमन लॉन्गेस्ट कॉमन सबसिक्वेंस राइट. तो चलो यहाँ से स्टार्ट करेंगे. नाउ वी हैव टू ट्रेस द टेबल एज वी आर डूइंग इन द नैपसैक प्रॉब्लम. थ्री थ्री आपको वन प्लस करने से मिला है या आगे से मिला है चेक करो. ओके okay, तो आगे से होगा तो वो आगे से ही होगा. डायगनल की वजह से नहीं हो रहा है तो यहाँ से मिला मुझे फिर मुझे यहाँ से मिला. अभी आगे से मिल रहा है? नहीं अभी आगे से नहीं मिल रहा है. सो आपने डायगनल किया कौन से एलिमेंट पे? डायगनल किया ई एलिमेंट पे तो एक हो गया आपका ई. चलो टू आपको आगे से मिला है? हाँ अभी भी टू आपको आगे से मिल रहा है? नहीं डायगनल करने से वन प्लस किया तो मिला तो विच एलिमेंट? एन. एन आपको जीरो से आगे से मिला है? नहीं डायगनल से जीरो प्लस वन किया तो यहाँ से तो व्हाट इज द एलिमेंट? ओ. So this is your three length of your and longest common subsequences O N. देख लो चेक करो O N. Getting everyone? Clear the procedure? So वही सिर्फ तो if else लगा कि आपको implement करना है. Now today you have to implement 5.4 and 7.1. Okay? So now do it. If folder is not there, I'll make the folder and submit the task. ओके स्टार्ट वर्किंग ऑन इट एंड इफ यू हैव एनी डाउट आई एम हियर ओनली. डाउट तो किसी को होगा नहीं क्योंकि आप करने वाले नहीं हो. ओके ओके डू इट नाउ स्टार्ट.